प्रणाम एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सीबीएसई इंग्लिश क्लास 7th चैप्टर 10 द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट ग्रू आउट ऑफ द मैनी स्टिक एंड बॉल गेम्स प्लेड इन इंग्लैंड 500 ईयर्स एगो। लगभग 500 साल पहले इंग्लैंड में जो छड़ी और बॉल से गेम खेले जाते थे उन्हीं में से एक क्रिकेट भी एक खेल निकला। द वर्ड बैट इज एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड दैट सिंपली मीन्स स्टिक और क्लब। क्रिकेट में बैट यूज़ किया जाता है और बैट का बैट एक इंग्लिश वर्ड है। इसका सिंपली मीनिंग होता है छड़ी या क्लब। बाय द 17th सेंचुरी क्रिकेट हैड इवॉल्वड इनफ टू बी रिकॉग्नाइजेबल एज अ डिस्टिंक्ट गेम। लगभग 17वीं शताब्दी में ही क्रिकेट को एक अलग खेल के रूप में जाना जाने लगा। टिल द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी मीन्स 18वीं शताब्दी के मध्य तक बैट्स वर रफली द सेम शेप एज हॉकी स्टिक्स कर्विंग आउटवर्ड्स एट द बॉटम। बैट्स जो होते थे वो सामान्य शेप के हॉकी स्टिक के समान होते थे, नीचे से मुड़े हुए होते थे। देयर वॉज अ सिंपल रीजन फॉर दिस, इसका एक साधारण सा कारण भी था। द बॉल वॉज बॉल्ड अंडर आर्म अलोंग द ग्राउंड एंड द कर्व एट द एंड ऑफ द बैट गेव द बैट्समैन द बेस्ट चांस ऑफ मेकिंग कॉन्टेक्ट। जो बॉल थी वह अंडर आर्म डाली जाती थी और ग्राउंड में जो बैट का जो कर्व शेप रहता था ग्राउंड के अकॉर्डिंग, तो जब बॉल आती थी तो बैट्समैन को इससे उसे बॉल को मारने में बहुत आसानी होती थी, इसीलिए बैट नीचे से कर्व शेप के रहते थे। वन ऑफ द पेकुलरिटीज ऑफ क्रिकेट इज दैट अ टेस्ट मैच कैन गो ऑन फॉर 5 days। मीन्स जो टेस्ट मैच है उसकी यह विशेषता थी कि वह 5 दिनों तक चल सकता था। एंड स्टिल एंड इन अ ड्रॉ, और वह एक ड्रॉ से भी एंड हो सकता था। ड्रॉ मीन्स वह स्थिति, गेम का वह रिजल्ट जिसमें न तो कोई टीम जीतती है और न कोई टीम हारती है। नो अदर मॉडर्न टीम स्पोर्ट टेक्स इवन हाफ एज मच टाइम टू कंप्लीट। कोई भी दूसरा मॉडर्न खेल कंप्लीट होने में इतना समय नहीं लेता है। ए फुटबॉल मैच इज जनरली ओवर इन एन ओवर एंड अ हाफ। एक फुटबॉल का मैच सामान्यतया 1.5 घंटे में खत्म हो जाता है। इवन बेसबॉल कंप्लीट्स 9 innings इन लेस देन हाफ द टाइम दैट इट टेक्स टू प्ले अ लिमिटेड ओवर्स मैच। यद्यपि बेसबॉल का मैच जिसमें कि 9 innings होती है वह भी आधा समय लेता है एक लिमिटेड ओवर का मैच खेलने की तुलना में। द शॉर्टेंड वर्जन ऑफ मॉडर्न क्रिकेट मीन्स जो मॉडर्न क्रिकेट का सबसे छोटा वर्जन है उससे भी कम समय बेसबॉल में लगता है। एनदर क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिकेट इज देयर द लेंथ ऑफ द पिच इज स्पेसिफाइड। दूसरी विशेषता क्रिकेट की है कि इसमें पिच की लंबाई स्पेसिफाई की जाती है 22 yards। बट द साइज और शेप ऑफ द ग्राउंड इज नॉट, लेकिन ग्राउंड का साइज और शेप कैसा होगा यह निश्चित नहीं होता। मोस्ट अदर टीम स्पोर्ट्स सच एज हॉकी एंड फुटबॉल ले डाउन द डायमेंशंस ऑफ द प्लेइंग एरिया। बहुत सारे दूसरे खेल जैसे हॉकी और फुटबॉल जो उनमें प्लेइंग एरिया की दिशाएँ विमाएँ फिक्स होती हैं, क्रिकेट डज नॉट, लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं है। ग्राउंड्स कैन बी ओवल लाइक द एडे लेड ओवल और नियरली सर्कुलर लाइक चेपॉक इन चेन्नई। क्रिकेट का ग्राउंड अडे लेक ओवल शेप का भी हो सकता है, जो कि अडे लेक में ओवल शेप का ग्राउंड है, या फिर चेन्नई में चेपॉक में सर्कुलर शेप का ग्राउंड है। तो ग्राउंड का शेप कैसा भी हो सकता है। अ सिक्स एट द मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड नीड्स टू क्लियर मच मोर ग्राउंड देन इट डज एट फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो दिल्ली में है उससे मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम का साइज काफ़ी बड़ा है। देयर्स अ हिस्टोरिकल रीजन बिहाइंड बोथ दिस ऑडिटीज मीन्स इन दोनों ऑडिटीज के पीछे ऐतिहासिक कारण भी है। क्रिकेट वॉज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट टू बी कोडिफाइड मीन्स सबसे क्रिकेट सबसे पुराना आधुनिक खेल है जिसमें जिसे कोडिफाइड किया गया, मीन्स जिसके लिए रूल्स और रेगुलेशन को निर्धारित किया गया था। द फर्स्ट रिटन लॉस ऑफ क्रिकेट वर ड्रॉन अप इन 1744। सबसे पहला लिखा गया
क्रिकेट के लिए सबसे पहले नियम 1744 में लिखे गए थे, यानी सबसे पहला लॉ 1744 में लिखा गया था। दे स्टेटेड द प्रिंसिपल्स शेल चूज फ्रॉम एमंगस्ट द जेंटलमैन प्रेजेंट टू अम्पायर्स हु शेल एब्सोल्युटली डिसाइड ऑल डिस्प्यूट्स। मीन्स उसमें कहा गया है कि जो नियम है वह दोनों टीमों के जेंटलमैन मानेंगे, इसमें दो अम्पायर होंगे जो कि निर्धारित करेंगे डिस्प्यूट्स को। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसे दो अम्पायर निश्चित करेंगे, मीन्स दो अम्पायर उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। यहाँ जेंटलमैन का मीनिंग होगा प्लेयर्स। द स्टम्प्स मस्ट बी 22 इंचेस हाई, मीन्स जो स्टम्प है वह 22 इंच ऊंचे होंगे। एंड द बैल मीन्स जो गुल्ली होती है अक्रॉस देम 6 इंचेस, और उनके बीच की गुल्ली 6 इंच की होगी। द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 ounces, और बॉल का वेट 5 and 6 ऑंस के बीच में होना चाहिए। एंड द टू सेट्स ऑफ स्टम्प्स 22 yards, और जो स्टम्प के दो सेट्स हैं वो 22 yards के पार्ट होने चाहिए। द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब वॉज फॉर्म्ड इन हम्बलडन इन द 1760s, मीन्स क्रिकेट का सबसे पहले क्लब की स्थापना 1760s में हम्बलडन में हुई थी। एंड द मैरिलबोर्न क्रिकेट क्लब MCC वॉज फाउंड इन 1787, और 1787 में MCC क्रिकेट क्लब की स्थापना की गई थी। ड्यूरिंग द 1760s एंड 1770s इट बिकेम कॉमन टू पिच द बॉल थ्रू द एयर रादर देन रोल इट अलोंग द ग्राउंड। एट 1760s और 1770s के दौरान एक ये जो गेम था इसमें जो बॉल थी वह फेंक के डाली जाने लगी एयर में, उससे पहले बॉल को ग्राउंड में रोल करके डाला जाता था। दिस चेंज गिव बॉलर्स द ऑप्शन ऑफ लेंथ डिसेप्शन थ्रू द एयर प्लस इंक्रीज्ड पास, मीन्स ये जो चेंज था इसने बॉलर्स को एक ऑप्शन दिया लंबाई का और बॉल को ऊपर फेंकने का, और इससे इंक्रीज हो गई जो पेस थी वह इंक्रीज हो गई। इट आल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज़ फॉर स्पिन एंड स्विंग, इसने स्पिन और स्विंग करने के लिए भी नई नई संभावनाओं को खोल दिया था। इन रिस्पॉन्स बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग एंड शॉर्ट सिलेक्शन, मीन्स रिस्पॉन्स में जो बैट्समैन थे वो भी मास्टर टाइमिंग को सेट कर सकते थे और शॉर्ट मीन्स वो स्ट्रोक का चॉइस उनके पास हो गया था। वन इमीडिएट रिजल्ट वॉज द रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व्ड बैट विद द स्ट्रेट वन, और जो एक उसी समय एक और परिणाम आया था जो कर्व बैट था उसकी जगह स्ट्रेट बैट ने ले ली थी, मीन्स अब जो बैट था वो स्ट्रेट होने लगा था। द वेट ऑफ द बॉल वॉज लिमिटेड टू बिटवीन 5.5 and 5.75 ounces, मीन्स अब बॉल का वजन 5.5 and 5.75 ounces के बीच में होने लगा। एंड द विड्थ ऑफ द बैट 2-4 inches, और बैट की चौड़ाई 4 inch होती थी। इन 1774 द फर्स्ट लेग बिफोर लॉ वॉज पब्लिश्ड, मीन्स 1774 में सबसे पहला लॉ पब्लिश किया गया था जिसे फर्स्ट लेग कहते हैं। ऑल्सो अराउंड दिस टाइम अ थर्ड स्टम्प बिकेम कॉमन, इसी दौरान तीसरा स्टंप भी कॉमन हो गया था। बाय 1783 डेज हेड बिकम द लेंथ ऑफ अ मेजर मैच, मीन्स 1780 में एक मुख्य मैच की भी लंबाई 3 दिन की हो गई थी, मीन्स 3 दिन में मैच को खेल लेते थे। एंड दिस ईयर आल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट 6-seam क्रिकेट बॉल, और इसी साल से फर्स्ट सिक्स सीम क्रिकेट बॉल को भी खेला जाने लगा। If you look at the games equipment, यदि आप गेम के उपकरणों को देखेंगे, you can see how cricket both changed with changing times and yet fundamentally remained true to its origins in rural England. Means आप ये देखेंगे कि कैसे क्रिकेट में दोनों चीज़ें चेंज हो गई, बैट और बॉल दोनों ही बदलते हुए समय के साथ चेंज हो गई, लेकिन फिर भी आज भी रूरल जो इंग्लैंड है वहाँ पे जहाँ से किसका उदय हुआ था, क्रिकेट की स्टार्टिंग हुई थी, वहाँ पे आज भी फंडामेंटली वैसा कि वैसा ही है। क्रिकेट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स आर मेड ऑफ नेचुरल प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, क्रिकेट के बहुत सारे इम्पोर्टेंट टूल्स जो है वो नेचुरल मीन्स प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल्स से ही बनाए जाते हैं। द बैट इज़ मेड विथ लेदर ट्विन एंड कॉर्क, जो बैट है वह चमड़े से ट्विन और कॉर्क से बनाया जाता है। इवन टूडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड,
आज यद्यपि बीट और बॉल दोनों ही हाथों से बनी हुई होती है, नॉट इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड, न कि इंडस्ट्री में बनी हुई, द मटेरियल ऑफ द बैट चेंज्ड स्लाइटली ओवर टाइम, और जो बैट का मटेरियल है वो भी समय के साथ बदलता जा रहा है। वंस इट वॉज कट आउट ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ वुड, पहले यह एक ही लकड़ी से बना हुआ होता था, एक सिंगल पीस से बना हुआ होता था। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ टू पीसेस, अब यह दो पीसेस से मिलकर बना होता है, द ब्लेड विच इज मेड आउट ऑफ द वुड ऑफ द विलो ट्री, और बैट की जो ब्लेड होती है नीचे का भाग होता है वह पूरा एक वुड से बना होता है जो विलो ट्री की होती है। विलो ट्री मीन्स जो ठंडे प्रदेशों में इंग्लैंड में पाए जाते हैं। एंड द हैंडल विच इज मेड आउट ऑफ केन दैट बिकम अवेलेबल एज यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट्स एंड ट्रेडिंग कंपनीज इस्टेब्लिश देमसेल्व्स इन एशिया, और जो हैंडल है वह कैन ट्री से बनता है जो कि यूरोपियन कॉलोनाइजर्स ने अवेलेबल की हुई है, और उनकी जो ट्रेडिंग कंपनीज है वो उन्होंने एशिया में इस्टेब्लिश की है। अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, गोल्फ और टेनिस के समान क्रिकेट हैज़ रिफ्यूज्ड टू रिमार्क इट्स टूल्स, क्रिकेट ने भी रिफ्यूज़ कर दिया है अपने टूल्स को रिमार्क करना विद इंडस्ट्रियल और मैनमेड मटेरियल्स से, मीन्स मैनमेड मटेरियल्स से या इंडस्ट्रियल मटेरियल्स से नहीं बनाए जाते क्रिकेट के टूल्स। प्लास्टिक, फाइबर ग्लास एंड मेटल हैव बीन फर्मली रिजेक्टेड, प्लास्टिक, फायर ग्लास और धातु को भी रिजेक्ट किया गया है। बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मीन्स जो सुरक्षात्मक उपकरण जो क्रिकेट में उपयोग में आते हैं, क्रिकेट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज, क्रिकेट भी तकनीकी परिवर्तन के साथ प्रभावित हुआ है। द इन्वेंशन ऑफ वल्केनाइज्ड रबर लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पैड्स इन 1848 एंड प्रोटेक्टिव ग्लव्स सून आफ्टरवर्ड्स, एंड द मॉडर्न गेम वुड बी अनइमेजिनेबल विदाउट हेलमेट्स मेड आउट ऑफ मेटल एंड सिंथेटिक लाइट वेट मटेरियल्स। और जो वल्केनाइज्ड रबर होता है, आपने देखा है जो रबर बहुत सारे मटेरियल को मिला दिया जाता है और रबर वल्केनाइज्ड रबर बन जाता है, तो वल्केनाइज्ड रबर की खोज के साथ ही 1848 में पेड का भी इंट्रोडक्शन हो गया, यानी पेड भी क्रिकेट में यूज़ किए जाने लगे, और उसके बाद में प्रोटेक्टिव ग्लव्स का भी जल्दी ही यूज़ किया जाने लगा, और आज के जो मॉडर्न गेम है उसकी हम हेलमेट के बिना तो हम तुलना ही नहीं कर सकते, और जो हेलमेट है यह मेटल्स से बनता है और सिंथेटिक बहुत लाइट वेट मटेरियल्स से बनता है। ओके, वी विल डिस्कस दिस चैप्टर इन माई नेक्स्ट वीडियो।